हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल ज्ञान। मैं हूं आलोक सिंह। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बिहार से रिलेटेड जो भी करेंट टॉपिक होंगे उसको मैं पर्टिकुलरली डिस्कस करता रहूंगा जब भी वो करेंट आएंगे, ठीक है। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले एक दो दिनों से ये जो न्यूज़ है वो वायरल हो रहा है। आपने अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो तो वहाँ पे भी आप इसको देखे होंगे कि एक बिहारी जो कि 30 साल लगाता है और 3 किलोमीटर लंबी नहर को खोद देता है, ठीक है। मतलब काफ़ी इसमें इनका पेशेंस ये देख सकते हो आप कि इन्होंने 30 साल तक कंटिन्यूसली इस ज़मीन को खोद खोद के और इन्होंने नहर बना दिया और जो खेत था उसको एक पॉन्ड से, एक तालाब से इन्होंने जोड़ दिया, ठीक है। और 3 किलोमीटर इन्होंने अकेले सब कुछ किया था, ठीक है। ये है वो शख्स जिन्होंने ये किया है। आप देख सकते हो ANI का ये आर्टिकल है। एक्चुअली में यहाँ पे देख सकते हो ये इन्होंने पूरा अपने कुदाल से खोद के ही पूरा नहर को बना दिया है। यहाँ ये चीज़ें हैं, यहाँ पे जब पॉन्ड से ज्वाइंट होता है उसके बाद देखो, देख सकते हो इस पॉन्ड को यहाँ पे जोड़ा गया है। तो हम इस पे ही पूरा डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये जो पूरा मामला है क्या है और ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनका नाम क्या है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम जानेंगे। तो चलिए, तो देखिए कुछ दिन पहले यानी कुछ साल पहले एक और हमारे बिहार के ही एक थे दशरथ मांझी, जिन्होंने कई सालों के प्रयत्न से पहाड़ को काट कर इन्होंने रास्ता बना दिया था, ठीक है। और तभी इन्हीं इनको बोला जाता है माउंटेन मैन, ठीक है, इनको माउंटेन मैन बोला जाता है। तो इसी तरह का कुछ कारनामा इन शख्स ने भी किया है जिन्होंने अभी पूरे ज़मीन को काट के नहर बनाया है अपने 30 साल के निरंतर प्रयास से, ठीक है। और इस पे एक मूवी भी आई थी जो मांझी द माउंटेन मैन, जिनमें नवाज सिद्दीकी ने बहुत ही बेहतरीन रोल किया है। मांझी द माउंटेन मैन का जो रोल था, ऐसा देखने में ये मूवी लगता है कि इनसे बेस्ट जो है रोल कोई नहीं कर सकता था, ठीक है। तो आइए वो लोकेशन देखते हैं कि कहाँ पर ये जो नहर खोदा गया था और ये जो खोदने वाले हैं शख्स वो कहाँ के हैं, ठीक है। तो एक तो बात है कि ये बिहारी हैं, बिहार के किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, किस गांव से बिलोंग करते हैं पर्टिकुलरली, सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो हम हैं यहाँ पे, ये पूरा हमारा भारत देश का मैप है, इसमें हम हैं यहाँ पे बिहार में, ठीक है। और आगे मैं दिखाता हूँ, अब इसको हमने जूम किया, अब आपको यहाँ पे दिखने लगा होगा झारखंड, इधर इधर नेपाल, काठमांडू आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे बांग्लादेश आपको दिख रहा होगा, वेस्ट बंगाल, लखनऊ, ये सब आपको दिख रहा है। अब और जूम्ड इन में आते हैं और हमने जूम किया तो यहाँ पे आपको दिखने लगा पटना, पटना। और ये जो नदी जा रही है, ये ब्लू वाली जो आपको दिख रही है, ये है गंगा नदी, ठीक है। पटना गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। इसके हम चलेंगे साउथ बिहार में, ठीक है। ऊपर में जाएंगे नॉर्थ बिहार हो जाएगा, तो हम दक्षिणी बिहार में जाएंगे। दक्षिणी बिहार में देखिए यहाँ पे हमने लगा रखा है, ये है हम दक्षिणी बिहार में जिला गया, गया जो कि मोक्ष सिटी भी कहा जाता है गया को। गया जिले में ही एक यहाँ पे देख सकते हो ये है गाँव जहाँ पे ये रहते हैं ये शख्स, ठीक है। आगे आगे चल तो और जूम करते हैं, हम उनके गांव में पहुंचते हैं। तो हमने यहां पे जूम इन किया तो इनका गांव अब दिखने लगा, देख लीजिए गया में हम आ चुके हैं, गया के उनके इस गांव में आ चुके हैं, ठीक है। आगे आगे चलिए, अब हम आ गए हैं उनका एग्जैक्टली गांव में। तो यहां देखिए कोठिलवा गाँव है, इसी गांव में वो रहते हैं वो शख्स जिन्होंने नहर बनाया है अपने 30 साल की मेहनत से, 3 किलोमीटर नहर इन्होंने खोद दिया है, ठीक है। ये जो शख्स हैं जो जिनका गांव है कोठिलवा, जिन्होंने नहर को खोदा है 30 सालों के अपने निरंतर प्रयास से, उनका नाम क्या है, उनका नाम है लौंग भुइयां, ठीक है। इनका लौंग भुइयां नाम है और इन्होंने ही ये अपने निरंतर प्रयास से ये पूरा मुकाम हासिल किया है, ठीक है।
चलिए आइए आते हैं थोड़ा सा हम इरिगेशन की बात में। उन्होंने ये काम किया किस लिए? सिंचाई के लिए। ठीक है, तो देखिए हमारे देश में जो एक इरिगेशन जो है वो मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, और ऊपर से भी अगर बात करें बिहार का, ये यहाँ पे ये जो गया जिला, मतलब ये जो है गंगा नदी अगर बीच से बहती है, तो इसको अगर दो पार्ट में बांटते हैं बिहार के मैप को, तो इधर नॉर्थ और इधर साउथ बिहार। तो जहाँ तक बात करते हैं नॉर्थ बिहार की, तो यहाँ तो क्योंकि पहाड़ी नदियाँ आती हैं तो यहाँ पे हमेशा बाढ़ आता रहता है, तो यहाँ पे बारिश की, यहाँ पे पानी की कमी होती नहीं है। लेकिन वहीं बात करते हैं अगर साउथ बिहार की, तो ये एक ऐसा इलाका है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सूखा हर बार पड़ता ही रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नदियाँ हैं जैसे कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊलजय इत्यादि, ये सब नदियाँ जो हैं। लेकिन क्या है कि ये सब नदियों को बरसाती नदियाँ कहते हैं। बरसाती क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि जो बिहार का सदर्न पार्ट है वो है सूखा, क्योंकि इस तरफ जो बॉर्डर जो है ये है झारखंड का बॉर्डर, और ये पूरा पठारी इलाका है, पूरा इधर पहाड़ वहाड़ है। ठीक है, तो क्या है कि जो साउथ बिहार है वो हमेशा सूखे के चपेट में रहता है, और यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं ये सब नदियों में बारिश तक ही पानी होती है, तो इरिगेशन का काफ़ी हद तक यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है यहाँ पे गया जिला, इसी में यहाँ पर है कोठिलवा गाँव, एक विलेज है जहाँ के उन्होंने लौंग भुइयां ने यहाँ पे नहर खोदा है। ठीक है, तो ये एक बड़ा इरिगेशन के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता था, और उन्होंने एक्चुअली में कहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भुइयां जो हैं गया जिले के लथुआ इलाके में कोठिलवा गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने 30 साल की अथक मेहनत के बाद 3 किलोमीटर लंबी नहर खोद डाली और पड़ोस की पहाड़ियों से बारिश के पानी को अपने गांव में खेतों तक लाने के लिए ऐसा किया। इसका फायदा गांव के सोचिए 3,000 लोगों को हुआ। लौंगी भुइयां जो हैं, इन्होंने 30 साल की इस मेहनत से पूरे गांव को फायदा दे दिया। सोचिए एक इंसान पूरे गांव को फायदा दिया, और हम जानेंगे कि इन्होंने ये किया क्यों, ये खुद बताते हैं। उनके परिजन बताते हैं कि वह रोज़ घर से जंगल पहुंच जाया करते थे और अपने इस नहर को खोदने के काम में जुट जाते थे। उनके परिजन ने उन्हें ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन भुइयां ने किसी की नहीं सुनी। खुद भुइयां ने बताया, अब भुइयां बताते हैं कि पति पत्नी बेटे और बहू सभी ने यह काम करने से उन्हें रोकने की कोशिश की। देखिए ये आदमी खुद अभी 70 साल के हैं और इन्होंने इसको खोदने में 30 साल लगाया, यानी कि इन्होंने अपना ये जो खोदना शुरू किया इस नहर को 40 साल के एज में। सोचिए ये पेशेंस, ये मेहनत और ये लक्ष्य प्राप्त करने का जो जज्बा इनमें था, इसी के कारण आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, सभी लोग उनके फैमिली वाले नहीं ये करते थे, गांव वाले भी कहते थे क्यों बेकार में फालतू का काम कर रहे हो, देखो यहाँ पे कुछ भी मिलता नहीं है, कोई आमदनी नहीं होती है। एक समय लोग उन्हें पागल भी कहने लगे थे, लेकिन आज पानी आने के बाद सब उनकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि पूरे गाँव को, लगभग आपको 3,000 गाँव के लोगों को ये बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, उन्होंने कहा पहले मैं खेती करता था। अब वो रीजन बताते हैं कि क्यों उन्होंने ये किया था। तो बेटा काम की तलाश में शहर चला गया, गांव के अधिकतर लोग भी काम करने के लिए बाहर चले गए। एक दिन बकरी चराने वक्त मैंने सोचा कि अगर गांव में पानी आ जाए तो लोगों का पलायन रुक सकता है, तभी से मैं इस काम में जुट गया, तभी से इन्होंने ये काम करना शुरू किया, क्योंकि सभी लोग, उनका बेटा भी शहरों में चला गया था, उसके बहुत सारे लोग, आप भी अगर किसी गांव में रहते हो तो देखते होगे, बहुत से लोग गांव से पलायन कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ कि जब COVID-19 आया, जब कोरोना वायरस में जब लॉकडाउन हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि कितने लोग बाहर रहते हैं, हजारों लाखों लाखों लोग बाहर रहते हैं अपने गांव से दूर काम की तलाश में। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यही रीज़न दिया है कि सभी लोग तो बाहर चले जा रहे थे क्योंकि गांव में खेती कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमने आपको बताया कि वो सूखा इलाका है तो वहाँ पे बारिश अच्छे से होती नहीं है, तो ऑब्वियसली किसान को वहाँ पे बेनिफिट होता नहीं होगा खेती करने में। तो
तो यही सब सोच के इन्होंने ये काम किया ताकि लोग ज़्यादा यहाँ से पलायन ना करें और यहीं पे रुके रहें। अब जैसे दशरथ मांझी जो है वो भी गया से ही बिलोंग करते थे, ठीक है, और ये भी जो है वो भी गया से ही बिलोंग करते थे। जो दशरथ मांझी है ना, वो देखिए गया के कौन से गांव से, गहलोर गांव से बिलोंग करते हैं। दशरथ मांझी गया के गहलोर गांव से बिलोंग करते थे, और ये है कोठिलवा गांव से बिलोंग करते हैं। यानी दोनों गया के ही बिलोंग करते हैं, और दोनों में काफ़ी पेशेंस और एक कुछ कर गुजरने की हिम्मत का इनकी दाद देना पड़ेगा, ठीक है। तो गया से काफ़ी, गया जो ऑब्वियसली आपको पता होगा, गया जो जिला है, गया जो शहर है, वो बेसिकली टूरिज्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके लिए जो बुद्धिज़्म से बिलोंग करते हैं। बुद्धिज़्म जैसे म्यांमार से लोग आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, थाईलैंड से आते हैं ये लोग, क्योंकि वहाँ पे गया में बुद्ध भगवान की बड़ी मूर्ति है, मंदिर है, तो वहाँ से विजिट करने आते हैं। तो गया अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है डिस्ट्रिक्ट है हमारे बिहार राज्य का, ठीक है। इस बात को भी आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया कि पूरा का पूरा आपको बता दिया है, कंप्लीट नॉलेज इसके बारे में दे दिया है, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, कि ये जो 30 साल में 3 किलोमीटर खोदा, इनका नाम क्या था, ये कहाँ के रहने वाले थे, हमने प्रॉपर लोकेशन के साथ आपको हमने बता दिया। उम्मीद है आपको यहाँ से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल ज्ञान। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।